हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। सो आज हम इस वीडियो में प्लस वन केमिस्ट्री का चैप्टर 6 थर्मोडायनामिक्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और जनरल नॉलेज बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच of the following are state functions। इनमें से कौन से जो हैं वो state functions हैं। तो सबसे पहले तो state functions जो हैं वो होते क्या हैं। तो state function जो है वो ऐसी property है system की, ठीक है। state function is a property of system whose value is depend upon state of system एंड इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। ये चीज़ याद रखें कि ये जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं पाथ के ऊपर, ठीक है। सिंपली हम स्टेट फंक्शंस को समझें तो स्टेट फंक्शंस की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है इनिशियल स्टेज पे, ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे। दो ही चीज़ों पे जो है वो स्टेट फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। कैसे रिएक्शन का जो इनिशियल स्टेप क्या है और फाइनल स्टेज जो है उसकी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। पाथ कौन सा वो फॉलो कर रही है इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में उसके ऊपर जो है वो ये इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेट फंक्शंस। प्रेशर जो है वो आपका स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, दीज ऑल आर दी स्टेट फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। एंथैल्पी एज वेल एज फ्री एनर्जी जो है वो क्या है, स्टेट फंक्शंस हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन जो है वो अभी लास्ट टाइम नवंबर 2020 में जो TGT का एग्ज़ाम हुआ उसमें जो है वो ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जो है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अब जो सबसे पहले तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होती क्या हैं। तो जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है उसको जो है वो दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स में जो है वो उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और दूसरी जो हैं वो हैं आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की जिसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड अपॉन द अमाउंट एंड साइज या मास लिख सकते हैं, साइज ऑफ सब्सटेंस इन ए सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में कौन सा सब्सटेंस है उसका अमाउंट कितना है या साइज़ कितना है उसके ऊपर जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू डिपेंड करती है। लेकिन इंटेंसिव में क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, इसके ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब सिंपली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, सपोज दिस इज़ ए सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो है अभी और इसका जो टेम्परेचर है वो हम ले लेते हैं टी। अब मैंने इस सिस्टम को जो है वो अब क्या कर दिया, हाफ़ कर दिया, ठीक है। तो हाफ़ कर दिया तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, यहाँ पे V1 रख लो और यहाँ पे V2, यानी कि वॉल्यूम भी क्या हो गया, हाफ़ में डिवाइड हो गया। लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम रहा और यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो क्या रहा, टी। क्योंकि सपोज़ यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो सिस्टम को हाफ़ भी कर दो तो भी टेम्परेचर तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, इसका हाफ हो गया। दैट मीन्स वॉल्यूम क्या है, डिपेंड कर रही है इस किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हुई आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सब्सटेंस कौन सा है सिस्टम में, क्या है क्या नहीं है, तो इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स टेम्परेचर इज़ ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव से याद रखना, इन है दोनों के आगे, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी हुई आपकी, टेम्परेचर। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी की तीनों एंट्रोपी, एंथैल्पी एज वेल एज वॉल्यूम, तीनों जो हैं वो क्या हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के जो हैं वो एग्जाम्पल हैं।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आपका एक तो टेम्परेचर आ गया, इसके अलावा जो है वो और भी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे आपका प्रेशर है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वेपर प्रेशर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे जो हैं वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। और एक्सटेंसिव के जो हैं वो तीन तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पर। इसके अलावा जो है वो मास है आपका, सरफेस एरिया है, इंटरनल एनर्जी है, फ्री एनर्जी है, हीट कैपेसिटी जो है वो सारे किस में आएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट मेजर्ड फॉर अ रिएक्शन इन बोम कैलोरी मीटर इज इक्वल टू। अब ये बोम कैलोरी मीटर जो है वो क्या होता है, सबसे पहले तो कैलोरी मीटर जो है वो क्या होता है, तो कैलोरी मीटर जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यूज टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, इंथैल्पी मीन्स इंटरनल एनर्जी, उसकी जो एनर्जी है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, उसको डिटरमाइन करने के काम आता है कैलोरी मीटर। अब बोम कैलोरी मीटर जो है वो क्या चीज़ है, तो बोम कैलोरी मीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन द हीट ऑफ कंबंशन ऑफ फ्यूल सच एज कोल, कैरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें कि बोम कैलोरी मीटर जो है वो किसकी, हीट ऑफ कंबंशन ऑफ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल जो है, ये वाली लाइन ज़रूर याद रखें कि कंबेंशन ऑफ फ्यूल के लिए जो है वो बोम कैलोरी मीटर जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो बोम कैलोरी मीटर कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक चैम्बर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोम बोलते हैं, बोम कैलोरी मीटर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, डेल्टा यू से। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस प्रोसीड इन ए डायरेक्शन विच लीड्स टू। अब देखो, नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस मतलब अपने आप हो रही है, उनको जो है वो एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है उस रिएक्शन के लिए। ठीक है, अपने आप हो रही है, तो कोई भी रिएक्शन जो है वो अपने आप क्यों होती है, या कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन या कुछ भी जो है वो क्यों होता है। हमने पहले लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो क्यों होती है, या कोई भी कंपाउंड सब्सटेंस जो है वो क्यों बनता है, वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है जब। ठीक है, स्टेबल होने के लिए जो है वो बनता है, कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस जो है वो स्टेबल होने के लिए बनता है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी जब कब आती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम एनर्जी। जैसे ही उसकी एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी, उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, सपोज आप जो है वो सोए हुए हैं, तो जब आप सोते हैं तो उसमें आपकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, मिनिमम, लेकिन स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और जब आप खड़े होंगे, तो खड़े होते हैं तो तब क्या होता है, उल्टा होता है, तब आपकी एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मिनिमम। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड को जो है वो स्टेबल होने के लिए जो है वो एनर्जी उसकी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट वी हैव द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो क्या होती है, तो गिब्स फ्री एनर्जी वो मैक्सिमम अमाउंट है एनर्जी का। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसमें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्टेड इनटू ए यूजफुल वर्क, कन्वर्टेड इनटू ए यूजफुल वर्क, वो हुई आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो आपकी एंट्रोपी एज वेल एज एंथैल्पी से रिलेटेड होती है। गिब्स फ्री एनर्जी को जी से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल टू होती है एच मीन्स एंथैल्पी माइनस टी इज प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। हियर एस इज द एंट्रोपी एंड एच इज द एंथैल्पी, टी इज टेम्परेचर, दैट इज द जी। ठीक है, अब पूछा है द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो जब भी कोई रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है, तो उसका जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। ये चीज़ याद रखें, जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। अब देखो, इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन है दैट मीन्स उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं, एनर्जी ना ही तो वो गेन कर रही है ना ही तो लूज़ कर रही है, तो डेल्टा जी यहाँ पे क्या होगा उस टाइम उस रिएक्शन का, ज़ीरो होगा।
अब जो है वो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव कब होता है? डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा जब कोई रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो रही है। स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप हो रही है, उसको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तब डेल्टा जी कैसा होगा? नेगेटिव, ठीक है। और डेल्टा जी जब पॉजिटिव कब होगा? जब कोई रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में कोई रिएक्शन हो रही है, तो डेल्टा जी उसका जो है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन भी दिया था और इक्विलिब्रियम में दिया था, ठीक है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन तो तब होगी ना। अब यहाँ पे वो इक्विलिब्रियम पे पहुँच गई है, दैट मीन्स एनर्जी का कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो डेल्टा जी जो है वो यहाँ पर क्या होगा? ज़ीरो जो है वो होगा। अगर सिंपली रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो यहाँ पर पूछा जाता तो डेल्टा जी जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए स्पॉन्टेनियस चेंज सिस्टम अंडरगोज, स्पॉन्टेनियस वही कि कोई रिएक्शन जो है वो अपने आप हो रही है या कोई सिस्टम जो है उसमें अपने आप चेंजेस हो रहे हैं, उसको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जब कोई भी चीज़ जिसको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है अपने आप हो रही है, मीन्स वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रही है, ठीक है, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रही है, मीन्स उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? लोअर कर रही है अपनी एनर्जी को। तो यहाँ पे क्या होगा? लोअरिंग ऑफ फ्री एनर्जी, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ आइस वाटर एंड वेपर्स द मोस्ट रैंडम स्टेट इज, अब आइस वाटर एंड वेपर्स में से मोस्ट रैंडम स्टेट, जो रैंडमनेस होती है किसी भी सब्सटेंस की उसको जो मापते हैं उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? आपकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस, दैट इज दी एंट्रोपी, ठीक है। तो अब एंट्रोपी जो है वो गैसेस में क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा रैंडम जो है वो होते हैं। गैसेस के बाद जो है वो किसकी आती है? लिक्विड्स की बारी आती है, और लिक्विड्स के बाद जो है वो किसकी बारी आती है? सॉलिड्स की, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? गैसेस की, यानी कि सबसे ज़्यादा रैंडमनेस किस में होगी? गैस में। लिक्विड्स में जो है वो होती है इंटरमीडिएट होती है, और सॉलिड्स में जो वो होती है मिनिमम रैंडमनेस होती है, और यहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम रैंडमनेस होगी, ठीक है। तो इन तीनों में से जो है वो किस में मोस्ट रैंडमनेस होगी? ऑब्वियसली वेपर्स में जो है वो सबसे ज़्यादा रैंडमनेस होगी, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8। इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अगेंस्ट वैक्यूम द वर्क इन्वॉल्व्ड इज ज़ीरो, ऑप्शन बी मैक्सिमम, सी मिनिमम, या डी नन ऑफ दीज। तो आइडियल गैस का इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्री एनर्जी जी मे बी डिफाइंड एज, तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया गिब्स फ्री एनर्जी जी जो है वो किससे? एंट्रोपी और एंथैल्पी से रिलेटेड होती है, ठीक है। एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, हियर एच इज दी एंथैल्पी, T इज इक्वल टू टेम्परेचर एंड S इज इक्वल टू एंट्रोपी। गिब्स फ्री एनर्जी में जो है वो एंट्रोपी और एंथैल्पी जो हैं वो दोनों ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर जो राइट है वो है ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 10। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है ज़ीरो, बी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ गैसेस कार्बन, ऑप्शन सी द कंबंशन ऑफ स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO एंड O2, एंड डी द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ कार्बन। तो किसी भी कंपाउंड की जो है वो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो किसके इक्वल होती है? वो होती है आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ इनिशियल कंपोनेंट्स। जो इनिशियल कंपोनेंट्स होंगे उसकी जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी उसके इक्वल होती है। अब देखो CO2 में इनिशियल क्या है? कार्बन, ठीक है। तो कार्बन का जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो कौन सी है? ग्रेफाइट,
ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा. द नेक्स्ट इज दी फॉर एन आइडियल गैस सी पी एंड सी वी आर रिलेटेड एज, तो आइडियल गैस के लिए सी पी माइनस सी वी इक्वल टू जो है वो आर के इक्वल होता है, तो ऑप्शन ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा. द नेक्स्ट इज दी द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर, तो ये चीज़ आप याद रखना कि एंथैल्पी जो है वो किसी भी एलिमेंट्स की, ठीक है, सभी एलिमेंट्स की एंथैल्पी स्टैंडर्ड स्टेट में जो है वो ज़ीरो के इक्वल होती है. ठीक है, किसी भी एलिमेंट की, ये चीज़ याद रखना, ऑल एलिमेंट्स हैव देयर एंथैल्पी इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज इक्वल टू ज़ीरो. द नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या है आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है उसको जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, और वो क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट सिंपली चेंज फ्रॉम इट्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. और ये जो रिलेटेड है वो है आपकी, इसका जो बेसिकल फॉर्मूला है एनर्जी का, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इज हेयर इज हीट एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन. ठीक है, यहाँ पर जो है वो ये रिवर्स करके दिया हुआ है, डेल्टा यू, ठीक है, डब्ल्यू को हम जो है वो यहाँ ले आएंगे, माइनस में हो गया ये, इक्वल टू क्यू. ठीक है, ये जो है वो आपका ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा. द नेक्स्ट इज द हीट ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, सोल्यूशन की हीट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो सोल्यूशन में सोल्यूट भी होते हैं, सॉल्वेंट भी होते हैं, ठीक है, और कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका आंसर है. द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 15, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड एंड फ्यूल आर डिटरमाइंड बाई, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही किया कि फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है, उसको हम किस चीज़ से मेजर करते हैं, वॉर्म कैलोरी मीटर से, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है. फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. द नेक्स्ट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज, किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी है, ठीक है, उसको उसका जो है इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, तो एंथैल्पी को हम एच से डोनेट करते हैं, और इसकी जो इक्वेशन होती है वो होता है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा, यू इज द इंटरनल एनर्जी, पी इज प्रेशर एंड वी इज द वॉल्यूम. ठीक है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन. द नेक्स्ट इज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड बाई ए स्ट्रॉन्ग बेस. अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सिंपली ये है कि आपने एसिड को जो है वो बेस से न्यूट्रलाइज करना है. ठीक है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो है वो किससे जो है वो न्यूट्रलाइज होंगे, आपके हाइड्रोक्साइड आयन से. ठीक है, दैट इज़ दी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अब जो है पूछ रहे हैं द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाई ए स्ट्रॉन्ग बेस, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो उसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी होगी, तो उसकी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो होती है इक्वल टू 57-57.1 किलो जूल के बराबर जो है वो होती है. ठीक है, ये आप याद कर लें, किसी भी, ये मैटर नहीं करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वो बेस का जो है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी होगा उसकी जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वो होगी 57.1 किलो जूल के बराबर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हीट कंटेंट ऑफ वाई इज ग्रेटर देन ऑफ एक्स, द रिएक्शन एक्स एंड वाई. अब देखो एक्स से बाई बन रहा है, तो यानी कि एक्स जो है वो क्या है हमारे पास, एक्स जो है वो हमारे पास है रिएक्टेंट, और बाई जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है.
ठीक है, बाई जो है वो प्रोडक्ट है। तो जब जो है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो या तो ज़्यादा हो सकती है, सॉरी या तो कम हो सकती है रिएक्टेंट से, या तो जो है वो इंटरनल एनर्जी जो है वो इसकी जो है वो प्रोडक्ट से, ठीक है, या तो प्रोडक्ट की जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, जब इंटरनल एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की कम होती है रिएक्टेंट से, तो वो रिएक्शन होती है आपकी, तो रिएक्शन कैसी होगी, वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो होगी। और जब प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो ये होती हैं। अब जो यहाँ पे बोल रहा है कि बाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, अब बाई क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा है, दैट मीन्स प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये रिएक्शन कौन सी हुई आपकी, एंडोथर्मिक। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट इज दी डेल्टा एच फॉर द कंबंशन ऑफ ए कंपाउंड इज पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव या मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, जीरो जो है वो होगा। द नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 21, एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। तो हीट की जो एसआई यूनिट है वो है आपकी जूल, एंड किलो जूल जो है वो इसकी एसआई यूनिट है। द नेक्स्ट इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स प्रोवाइड ए मैथड टू इवेलुएट विच प्रॉपर्टी। अब जो थर्ड लॉ है थर्मोडाइनमिक्स का, वो कौन सी प्रॉपर्टी को जो है वो इवेलुएट करता है। तो सबसे पहले तो थर्ड लॉ जो है वो है क्या, थर्ड लॉ है आपका द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम। थर्ड लॉ क्या बोल रहा है कि एंट्रोपी, दैट मीन्स रेंडमनेस, एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो एंट्रोपी भी कैसी हो जाएगी, मिनिमम, ठीक है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कितना होता है, -273.15°C या 0 केल्विन को जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स प्रोवाइड ए मैथड टू इवेलुएट विच प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, एब्सोल्यूट एंट्रोपी को जो है वो मेज़र करने के काम जो है वो आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। द नेक्स्ट इज दी वन मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट एंट्रोपी, किसकी जो है वो सबसे हाईएस्ट एंट्रोपी होगी। अब एंट्रोपी आपको समझ आ गया कि रैंडमनेस जो है वो किसकी होगी, लिक्विड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस, मर्क्यूरी या डायमंड। तो ऑब्वियसली एंट्रोपी जो है वो रैंडमनेस किसकी सबसे ज़्यादा होती है, गैसेस की। तो गैस यहाँ पर सिर्फ एक ही है, वो है आपकी हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड में प्रेजेंट है, मर्क्यूरी आल्सो लिक्विड, डायमंड जो है वो आपका सॉलिड है, ठीक है। मेजर ऑफ रैंडमनेस सब्सटेंस इज कॉल्ड एंट्रोपी, सही है। ग्रेटर द रैंडमनेस ग्रेटर द एंट्रोपी, जितनी ज़्यादा जो है वो रैंडमनेस होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो एंट्रोपी होगी। गैसेस हैव मोर रैंडमनेस, ऑब्वियसली जो सॉलिड होते हैं उसके जो कंपाउंड सब्सटेंस होते हैं वो नज़दीक नज़दीक होते हैं, ठीक है, और लिक्विड में क्या होता है थोड़ी सी और दूर होते हैं, और गैसेस में क्या होता है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका द स्पीसीज विच बाई डेफिनेशन हैज़ जीरो स्टैंडर्ड मोलर एन्थैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन इज। अब देखो, हैव जीरो स्टैंडर्ड मोलर एन्थैल्पी जो है वो किसकी होगी, यहाँ पर वो होगी आपकी क्लोरीन की। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स की जो एन्थैल्पी होगी वो किसके इक्वल होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है, वो भी किस में होनी चाहिए, गैसियस स्टेट में। तो क्लोरीन जो है वो आपका इकलौता यहाँ पर गैसियस स्टेट में है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो होता है, एंड ये भी लिक्विड है, ठीक है। द नेक्स्ट इज दी विच थर्मोडाइनमिक्स फंक्शन अकाउंट ऑटोमेटिकली फॉर एन्थैल्पी एंड एंट्रोपी। तो हमने लास्ट डिस्कस किया था एन्थैल्पी एंड एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी से जो है वो ये रिलेटेड है, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी से जो है वो एन्थैल्पी, कैसे, गिब्स फ्री एनर्जी को हम जो है वो जी से जनरेट करते हैं, और किसके इक्वल होता है ये, एन्थैल्पी माइनस टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी,
एस इज द एंट्रोपी. ठीक है. नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मैक्सिमम इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑब्जर्व्ड. अब जो है वो किस में आप सबसे ज़्यादा रैंडमनेस जो है वो मेज़र कर सकते हैं इनमें से. ठीक है. ऑब्वियसली रैंडमनेस जो है वो गैसियस स्टेट में ही जो है सबसे ज़्यादा होती है. तो अब यहाँ पे ऑप्शन वन है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट जो है वो वाटर में आप घोल रहे हैं. ठीक है. तो क्या है सॉल्ट, क्या है सॉलिड है, वाटर कैसा है आपका लिक्विड. कंडेंसेशन ऑफ वाटर ये भी नहीं होगा. सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन एंड डी है मेल्टिंग ऑफ आइस. अब देखो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन. लेकिन ये आंसर जो है वो कैसे इसका सही है. सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है कि डायरेक्टली नेफ्थलीन कैसा होता है सॉलिड होता है ना, तो सब्लिमेशन क्या होता है डायरेक्टली जो है वो आप सॉलिड को किस में चेंज कर रहे हैं गैसेस फॉर्म में. ठीक है. सॉलिड से डायरेक्ट गैस उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस से फिर से सॉलिड में उसको जो है वो चेंज करना दैट इज़ द सब्लिमेशन. ठीक है. तो जब ये गैसेस फॉर्म में चेंज होगा तो एंट्रोपी इसकी कैसी होगी मैक्सिमम इंक्रीज इन एंट्रोपी किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं आप सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन में जो है वो ये मेज़र जो है वो आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड. सिंपली जो हीट और इवॉल्व और एब्जॉर्ब होती है केमिकल रिएक्शन में उसको आप एंथैल्पी बोलते हैं. तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है. नेक्स्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज वन विच अकर्स विद एवोल्यूशन ऑफ हीट विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन रिवर्स डायरेक्शन. तो आपकी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वहाँ पर आपका होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है. एंड एक्सोथर्मिक में क्या होगा आपका एवोल्यूशन ऑफ हीट, एवोल्यूशन ऑफ हीट. एक्सोथर्मिक में एवोल्यूशन ऑफ हीट और एंडोथर्मिक में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. द नेक्स्ट इज दी हेस लॉ ऑल्सो नोन एज. हेस लॉ जो है वो इसको और क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ मास एक्शन या नन ऑफ दीज. तो हेस लॉ को जो है वो इनमें से किसी भी नाम से नहीं जानते हैं. बेसिकली वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड ज़रूर होता है. ठीक है. लेकिन हेस लॉ को जो है वो और बोलते हैं कांस्टेंट हीट समेशन लॉ, कांस्टेंट हीट समेशन लॉ जो है वो इसको बोलते हैं हेस लॉ को. ठीक है. हेस लॉ को क्या बोलते हैं कांस्टेंट हीट समेशन. और हेस लॉ जो है वो होता क्या है तो हेस लॉ क्या बोल रहा है कि एंथैल्पी चेंज इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन. ठीक है. किसी भी रिएक्शन की जो है वो एंथैल्पी जो है वो चेंज हो रही है जब एंथैल्पी चेंज इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज सेम. ठीक है. जब किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज हो रही है वो सेम होगी कब, वेदर वेदर जो है वो रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है कंप्लीट या तो वो मैनी स्टेप्स में जो है वो कंप्लीट हो रही है. ठीक है. अगर एक स्टेप में कंप्लीट होगी तो भी उसकी एंथैल्पी वही रहेगी, अगर दो या तीन या जितने भी स्टेप्स में कंप्लीट हो गई है तो भी उसकी जो एंथैल्पी है वो क्या रहेगी सेम रहेगी. ये बोल रहा है हेस लॉ. ठीक है. एंथैल्पी चेंज इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज सेम. ठीक है. या इक्वल वेदर द रिएक्शन कंप्लीट इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप्स. द नेक्स्ट इज दी वेदर द वेन द बॉन्ड बीन ब्रोकन आर मोर देन दोज बीइंग फॉर्म्ड. बोल रहा है कि जब बॉन्ड जो है वो ब्रेक ज़्यादा हो रहे हैं एज कंपेरेटिव टू बॉन्ड जो है वो सपोज दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं लेकिन बन कितना रहा है एक. तो पूछ रहा है तब क्या होगा केमिकल रिएक्शन देन एंथैल्पी तब क्या होगी. अब देखो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो होती क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी होती है एनर्जी जितनी आपको एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो है वो जितनी एनर्जी की जो है वो ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं आप बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इसको बोलते हैं. ठीक है. इसको जो है वो आप कैलकुलेट कैसे कर, बॉन्ड एंथैल्पी को मैं ऐसे लिख रही हूँ बी ई, इसको जो है वो आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं. तो ये होता है आपका सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ
रिएक्टेंट्स, माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट्स में जो है वो अगर बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की कम है, यहाँ पे जैसे बोला गया है कि ब्रोकन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा है, ब्रोकन कहाँ पे होंगे, रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा ना। ठीक है, प्रोडक्ट में बॉन्ड कम बन रहे हैं, रिएक्टेंट में ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, और इसकी कम होगी, तो आपकी जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट इज दी द एंथैल्पी चेंज व्हेन ए रिएक्शन इज कंप्लीट इन सिंगल स्टेप विल बी डैश एज कम्पेयर टू दैट व्हेन इट इज कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप। अभी लास्ट डिस्कस किया कि एंथैल्पी चेंज जो है वो हेस लॉ है, ये बेसिकली हेस लॉ क्या बोल रहा है, ये कि एंथैल्पी चेंज व्हेन ए रिएक्शन इज कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, उस वो बोल रहा है, हेस लॉ क्या बोल रहा है कि एंथैल्पी चेंज जो होती है वो सेम रहती है, चाहे तो रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है या तो वो मोर देन वन स्टेप में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू सेम रहेगी वो। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट इज दी द फैक्टर ई प्लस पी अवी इज नोन एज, अब जो है वो ये क्या है, तो ये जो है वो आपका रिलेटेड है एंथैल्पी से, क्योंकि एंथैल्पी की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, एंथैल्पी को ऐसे जनरेट करते हैं, वो होती है आपकी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो किससे रिलेटेड होगी यहाँ पर, चेंज इन एंथैल्पी। द नेक्स्ट इज दी ए सिस्टम विच एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग इज, ऐसा सिस्टम जो एनर्जी और मैटर दोनों ही जो है वो सराउंडिंग से शेयर करता है। सबसे पहले तो ये सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो होता क्या है, सपोज ये जो है वो एक बीकर है। ठीक है, तो ये बीकर के अंदर जो भी है वो क्या हुआ, सिस्टम। ठीक है, और इस बीकर की बाउंड्रीज के बाहर जो भी है वो हुआ आपका सराउंडिंग। ठीक है, अब बोल रहा है सिस्टम विच एक्सचेंज, यहाँ से जो है वो एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ और मैटर भी जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। तो आपका जो सिस्टम होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। तो ओपन सिस्टम में क्या होगा आपका, कि एनर्जी और मैटर जो है वो दोनों ही एक्सचेंज होंगे। ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा, यहाँ से बंद होगा ऊपर से ये सिस्टम। ठीक है, तो बंद होगा तो मैटर तो एक्सचेंज नहीं होगा लेकिन एनर्जी जो है वो चेंज होगी। ठीक है, और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही तो एनर्जी चेंज होती है ना ही तो मैटर चेंज होता है, नीदर एनर्जी नोर मैटर। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओपन सिस्टम। द नेक्स्ट इज दी द सिस्टम प्लस इट्स सराउंडिंग, अभी जो हमने जैसे बनाया ये बीकर है सपोज, यहाँ पे जो भी मटेरियल है वो क्या हुआ, सिस्टम, और ये जो है वो सराउंडिंग है। तो अब सिस्टम प्लस सराउंडिंग उसको जो है वो क्या बनाती है, वो बनाएगी आपकी यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्स। द नेक्स्ट इज दी द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज रेज्ड अप व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू इट, दिस इज ए डैश रिएक्शन। बोल रहा है कि जब वाटर में जो है वो आप सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड करते हैं तब क्या हो रहा है, वाटर का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो जा रहा है, इंक्रीज। अब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है। ठीक है, हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व मीन्स लिबरेट, हीट निकल रही है ना, हीट निकल रही है वहीं से, तभी से सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही आपने वाटर में जो है वो ऐड किया, हीट जो है वो लिबरेट होगी। और हीट का एवोल्यूशन या लिबरेशन जो है वो कौन सी रिएक्शंस में होता है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो ये होंगी। ठीक है, जहाँ पर हीट जो है वो इवॉल्व होती है। द नेक्स्ट इज दी द करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टीज। अब सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज, ठीक है, सिस्टम तो आपको पता चल गया होगा, सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जो, ठीक है,
इसके बीच में क्या है, इस सिस्टम के बीच में कौन सा सब्सटेंस है, उसके ऊपर जो है वो क्या बोल रहा है, डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हुई आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। दो तरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने, सॉरी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ दो तरह की पढ़ी थी। फर्स्ट आपकी कौन सी थी, एक्सटेंसिव, और दूसरी कौन सी पढ़ी हमने, इंटेंसिव, ठीक है। तो इंटेंसिव जो कि इंडिपेंडेंट होती है, मैंने बोला था इन और इन से याद रखना, इंटेंसिव इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे टेम्परेचर का एग्जांपल लिया था, तो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे भी सेम रहेगा, और अगर हमने इसको हाफ में कर दिया तो भी जो वह सेम रहेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट है मीन्स। और एक्सटेंसिव में क्या था, एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिपेंड करती हैं सब्सटेंस के ऊपर, इस सिस्टम में कौन सा सब्सटेंस है, उसका अमाउंट कितना है, उसका मास कितना है, साइज़ कितना है, उसके ऊपर जो है वो ये डिपेंड करती हैं प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंसिव आपकी। द नेक्स्ट इज़ दी SI यूनिट ऑफ हीट चेंज, सॉरी ये पहले भी कर लिया, फिर समझा देती हूँ। जूल जो है वो, जूल एंड किलो जूल जो है वो आपकी हीट की जो है वो SI यूनिट है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।